मेरे दोस्त, आप सब लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो आज की ये वीडियो स्पेशल बजट के लिए कि इस बजट में क्या क्या चेंजेस आएंगे सर। तो अभी मैं जब R&D कर रहे थे हम, मैं और सर, की बजट में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, तो सर मुझे एक नई टर्म पता चली कि एक्सपेंडिचर टैक्स कुछ करके कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आएगा या किस हद तक आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ये बजट है वो 1 फरवरी को आ जाएगा। बिल्कुल इसके अंदर क्या है ना, जो ये एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से ये टैक्स है, लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन है। जी कंफ्यूजन इस चीज को समझिएगा, दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो ये है कि जो P&L के अंदर जो हम एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं, वो वाला एक्सपेंडिचर, भाई हमारा सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस वालों के लिए। एक दूसरा एक्सपेंडिचर आप गवर्नमेंट की नजरों से समझिएगा। गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट के अंदर, ठीक है ना, ये चीज लाती है कि हमारे को इतना टैक्स कलेक्ट करना है, इफेक्टिव टैक्स रेट ये है। तो उसमें उन्होंने सोचा कि हमें 1000 करोड़ टैक्स कलेक्ट करना है आगामी आगामी साल में। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी डिडक्शंस भी देती है, बेनिफिट्स भी देती है। तो उस डिडक्शन और बेनिफिट्स को देने के साथ साथ जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो उनका जो टैक्स कलेक्शन होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो सोचा था उन्होंने उससे कम होता है। हाँ, क्योंकि काफी सारे लोगों ने डिडक्शंस क्लेम कर ली, तो उसको जो डिफरेंस होता है, जो गवर्नमेंट ने सोचा और जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करा ड्यू टू डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, ये सारी चीज, उसे टैक्स एक्सपेंडिचर हम कहते हैं ठीक है गवर्नमेंट अपनी नजर में, अपनी भाषा में। तो ये हो क्या रहा है, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट। इसे बजट की अगर लैंग्वेज में बोलो तो फोरगोन टैक्स भी बोलती है गवर्नमेंट, कि ये टैक्स हमने फोरगो कर दिया, कि भाई हमने डिडक्शन दिया आपको 80C की, 80D की, इस वजह से हमारे को जो टैक्स कलेक्ट होना था वो टैक्स कलेक्ट कम हो नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ये गवर्नमेंट ने एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया है आपको। अब लेकिन इसे लेकर ना गवर्नमेंट बड़ी चिंता में है। चिंता में इसे ऐसे समझिएगा, आप अपने दो क्लाइंटों को उठाइएगा, एक क्लाइंट ऐसा उठाइए जो सैलरीड पर्सन है, दूसरा क्लाइंट ऐसा उठाइए जो बिजनेस पर्सन है। तो सैलरीड पर्सन अगर 20 लाख रुपए की सैलरी लेता है और बिजनेस पर्सन 20 लाख की बिजनेस इनकम लेता है, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और 20 लाख की बिजनेस इनकम ले रहे हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सैलरी आपकी आ रही है 20 लाख की, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या आ रही है कि जो 20 लाख की जो सैलरीड वाला पर्सन है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है और जो बिजनेस क्लास पर्सन है वो टैक्स नहीं दे रहा। मतलब वो खर्चे डाल के अपना टैक्स कम कर वो रहे हैं। खर्चे डाल के अपना टैक्स कम कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। हर व्यक्ति यही कहता है, अगर आप रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ो, एक किताब है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि भाई अगर आप कॉरपोरेशन बनाते हो, कंपनी बनाते हो, तो वहां पर आप टैक्स बचा लेते हो। सैलरी क्लास पर्सन टैक्स नहीं बचा पाता, उसका तो टैक्स लगना ही लगना है, TDS कट नहीं है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को देखा जा रहा है कि बिजनेस क्लास से कैसे टैक्स लिया जाए, क्योंकि बिजनेस क्लास टैक्स दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहां पर उससे टैक्स लेने के चक्कर में ये हो सकता है कि एक्सपेंडिचर पे कुछ टैक्स लगा दे। जैसे आपको पता होगा, आजकल भी P&L में जितनी भी आप आइटम्स डालते हो, किसी पे TDS है, कभी कुछ है, तो ये उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पहला रीजन तो वो है। दूसरा रीजन क्या है जो एक्सपेंडिचर टैक्स को ही बोला जा रहा है, कि गवर्नमेंट कह रही है कि यार ये डिडक्शन विडक्शन खत्म करो, जो भी नई टैक्स हुआ हुआ है। हाँ, आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी न्यू टैक्स रिजीम आया, उसमें क्या था कि इन्होंने सोचा कि भाई डिडक्शन से लेंगे नहीं और हम टैक्स रेट कम कर देते हैं, लेकिन उसका इफेक्टिव यूज नहीं हुआ, बहुत कम यूज, बहुत कम लोगों ने उसे अडॉप्ट कर। बिल्कुल सही सर। लेकिन गवर्नमेंट के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो व्यक्ति है वो फेक डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना। सोचती है गवर्नमेंट आएगा 1000 करोड़, आता 500 करोड़, वो सारा 80C डिडक्शन वगैरह में चला जाता है। तो एक एंगल ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या है, जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसे कंपलसरी कर दे इस बार से। हाँ, इस बार से उसे कंपलसरी कर दे, और वो जो उसका जो फोरगोन वाला टैक्स है वो उसे वहां पे खत्म कर दे, कि जिससे कि गवर्नमेंट का लॉस जो है वो कम हो जाए। जो मतलब उसके लॉसेस थे, मान लीजिए उसको 1000 करोड़ रिकवर करना था, बिल्कुल, और उसको 800 करोड़ ही रिकवर, जो 200 करोड़ है वो इसको ऐसे अपना रिकवर कर ले, वो हो सकता है कि कुछ लोगों पर कंपलसरी कर दे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज समझनी होगी। अब ऐसा है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप 80C की फेक डिडक्शन नहीं लेते, मैं 80C की फेक डिडक्शन नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं,
तो इसलिए गवर्नमेंट का वो डिफरेंस आ रहा है बहुत सारा, इस वजह से ऐसा हो सकता है, अभी ऐसा मेरा सरकार के मन पास ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो हाँ, उसको पकड़ पाए। पकड़ पाए, लेकिन इस चीज को करने के लिए वो हो सकता है, वो जो पिछले साल जो न्यू टैक्स रिजीम लाई है विदाउट डिडक्शन वाला, वो उसी की एक पहल है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2006 और 2007 में ऐसा कुछ आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई ये जो टैक्स एक्सपेंडिचर है इस तरह का कंसेप्ट ही लेकर आए थे, क्योंकि खर्च तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट कर ही रही है ना भाई, अगर आपको डिडक्शंस दे दी है वो भी तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही कर दिया ना, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन उसको मिसयूज हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग कर सकते हैं। चलिए ये तो रहा एक पार्ट, अब इसके अलावा भी कुछ है चेंजेस जो मुझे लगता है ये सर के नजरिए से था, जो अभी कुछ रिसेंट चेंजेस हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो वो चेंजेस क्या क्या है धीरे धीरे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जेम्पशन लिमिट को लेकर चेंजेस की कुछ बातें आ रही है, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं सर उसमें? सर एग्जेम्पशन लिमिट अभी 2.5 लाख की चल रही है नॉर्मली जो है, लेकिन ये एग्जेम्पशन लिमिट बहुत साल से कह रहे हैं कि ये चेंज होगी होगी, ये कई साल से चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि ये लिमिट चेंज नहीं होगी। इसकी बजाय ये लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं, जो हमने थोड़ा रिसर्च किया है कि ये डिडक्शंस की जो लिमिट है उसको बढ़ा रहे हैं, ना कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है बेसिक 2.5 लाख की उसको कुछ चेंज करेंगे, तो उसमें अभी के लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ सर। अच्छा, एक ये जो है ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है बजट में? सर क्रिप्टो करेंसी का ऐसा है कि अभी विंटर सीजन में एक बिल लेके आने वाले थे ये पार्लियामेंट में, लेकिन वो बिल नहीं आ पाया, तो अभी हो सकता है कि 1 फरवरी को जो बजट आए उसमें ये क्रिप्टो करेंसी का जो भी टैक्सेबिलिटी है, जो भी एक पूरा टैक्स के हिसाब से ले आए। इसमें क्या है कि ये अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक कम से कम 241 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली क्रिप्टो में, और जो करंटली यूजर्स है क्रिप्टो करेंसी के वो 10 करोड़ के लगभग यूजर्स हैं इंडिया या ग्लोबल लेवल पे इंडिया के, तो इसके लिए हो सकता है कि जो आगामी बजट है उसमें क्रिप्टो के लिए कुछ टैक्स लॉ ले आए। अगर वो टैक्स लॉ लेके आते हैं तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें सबसे पहली बात जो अभी अगर मैं जैसे लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल गेम हो गया, तो इन पे क्या कि डायरेक्ट 30% का स्लैब रेट, एक हायर स्लैब रेट है, बिल्कुल। तो हो सकता है कि क्रिप्टो पे जो आप सेल परचेज करते हो तो उसके जो गेन होगा आपको उस पे भी आपका 30% का लग जाए। दूसरा इसमें हो सकता है कि टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन लिया है, आप जैसे क्रिप्टो को सेल परचेज करते हो तो टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन भी इस पे लगा सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर इसमें बाई चांस मान लीजिए क्रिप्टो में आपको लॉस होता है, स्वाभाविक है लॉस हो जाए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये लॉस होगा इसको हो सकता है आपको कैरी फोर्ड ना करने दिया जाए, आप इसी साल उसको सेट ऑफ कीजिए, और सिर्फ जो अगर आपकी क्रिप्टो से कोई और इनकम है तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कैरी फोर्ड नहीं करने दिया जाएगा और किसी इनकम से इसको एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो सर ये क्रिप्टो की बेसिक पॉइंट है। अच्छा, एक ये कोविड को लेकर जो कोविड पेशेंट है एक, हाँ, उसे लेकर और अगर हम उसे कनेक्ट करें अपनी 80D की डिडक्शन से, बिल्कुल, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो क्या है सर? अभी क्या है कि 80D की जो डिडक्शन अभी 25,000 और 50,000 रुपए है सीनियर सिटीजन के लिए, 50,000 की है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ले सकते हो, तो इसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि कोविड में जैसे बहुत से लोगों का बहुत खर्चा हुआ है सर, 10-10, 20-20 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, अगर कोई हफ्ता या 10 दिन हॉस्पिटल में वो रह गया तो उसके लिए खर्चा हो गया उसका, तो इसका इन्होंने क्या किया था, एक प्रेस रिलीज इशू की थी सर 25 जून 2021 को, उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर बाय चांस मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और आपको वहां से कुछ भी कंपनसेशन मिलता है, आप कोविड पेशेंट है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो वहां पे आपका कोई खर्चा लगा, तो इन्होंने ये कहा था कि जो भी आपका खर्चा लगेगा, या तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ अमाउंट दे रहा है या फिर कोई और बंदा, कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ आपको हेल्प कर रहा है, तो वो सारी डिडक्शंस अलाउ थी। उसमें प्रेस रिलीज में ये लिखा गया था कि हम ये बहुत जल्दी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डेथ के केस में ये था कि अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है, जहां भी आप जॉब वगैरह करते हैं और वहां से अगर आपको कोई भी पैसा डेथ के केस में मिल रहा है उसकी फैमिली को, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट था, डिडक्शन अलाउ थी उसकी। लेकिन अगर आपको किसी और से ही पैसा मिल रहा है तो उसमें 10 लाख की इन्होंने लिमिट लगाई थी प्रेस रिलीज में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो प्रेस रिलीज थी इसको ये इम्प्लीमेंट कर दे 1 तारीख के बजट में। अच्छा, एक चीज मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ जी, बजट आएगा 1 तारीख को जी, और आज हम बैठे हैं 15 तारीख को, 15 जनवरी को, मतलब 16 दिन एडवांस में हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जी, क्या इसका हमारे सब्सक्राइबर को फायदा होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या फायदा होता है देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ कि 1 फरवरी को जो चीजें आएगी अगर वो अपने ब्रेन में पहले से ही उस पे वर्क करना शुरू कर दो,
या एक थोड़ा सा आइडिया आप लगाना शुरू कर दो, तो जब वो 1 तारीख को आपको बजट में दिखेगी तो आपको डाइजेस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये वीडियो जो हमने बनाई है ये इसी पर्पज से बनाई है। अब हमें नहीं पता सर इसमें से क्या क्या चेंजेज होंगे क्या नहीं होंगे, हमने और आपने तो स्टडी करा, जो हमें लगा उसने हमने बता दिया। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से प्लान करना है कि नई आने वाली चीजें भी आपको पता लगती रहे। अगर आपने अभी हमारी फरवरी की मैगजीन पढ़ी होगी, ठीक है ना, पिछले साल वाली, इस बार तो फरवरी अभी आएगा हमारा, फरवरी का एडिशन हमारा बजट एडिशन होता है, पूरा डिटेल्ड आएगा। लेकिन पिछले साल फरवरी के एडिशन में हमने पहले से ही सारी चीजें आपको दे दी थी, और ये जो हमारा जनवरी का एडिशन है, 1 जनवरी से जो जो GST में चेंजेज हुए हैं वो सारे के सारे हमने विद एग्जाम्पल से दे दिए। तो ये जो भी चेंजेज होंगे, हम फरवरी का एडिशन एक दो दिन लेट आ जाता है क्योंकि बजट एडिशन होता है तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है सर, लेकिन ये सारे चेंजेज आपको हमारी मैगजीन में मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये सही समय है कि आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, 1 महीने के अंदर ही पूरे साल की आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी। सर इसके अंदर और क्या चेंजेज हो सकते हैं बजट में, वो भी एक बार सर। और मेनली जो चेंजेस हो सकते हैं, इस बार क्या था कि 44AD इस बार बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, फ्यूचर ऑप्शन में डील किया था, इंट्राडे में डील किया था, स्पेक्युलेटिव बिजनेस उनका हो गया। तो इस बार इन्होंने किया था कि जो ITR की इंस्ट्रक्शंस थी वहां पे डाल दिया था कि 44AD स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं है। तो अभी तक 44AD में 3 conditions लिखी हुई है कि ये इन इन पे अप्लाई नहीं है, कमीशन बिजनेस हो गया ऐसा कुछ कर, 3 conditions है। तो हो सकता है कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस को 44AD में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि जी ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए आप 44AD क्लेम नहीं कर सकते इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा क्या है कि 44AD और 44ADA के लिए एडवांस टैक्स आप 1 installment में भर सकते 15 मार्च को, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट वाले बंदे हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं 44AE जिन पे अप्लाई होता है उनके लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है एडवांस टैक्स का। तो हो सकता है कि इस बार 1 फरवरी को आपको ये देखने को मिल जाए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि आपको एडवांस टैक्स 1 installment में 15 मार्च से पहले पहले आपको जमा उनके लिए भी ऑप्शन करते हैं, सिस्टमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सर। और ये फर्म और LLP के रेट को लेकर कुछ है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। अभी कंसेशनल रेट क्या चल रहे हैं 25% कंपनी के केस में चल रहे हैं सर, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है और LLP है, इस बजट में उनके लिए भी कुछ कंसेशनल रेट आ जाए, 25% 22% जो हो सकता है सरकार लेके आए। तो इसमें पूरे पूरे चांसेस है कि इस बार कंसेशनल रेट अप्लाई हो जाए फर्म और LLP के केस में। बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश करी आपको ये बताने की एडवांस में कि भाई बजट में क्या क्या होने वाला है। बाकी जब 1 तारीख को बजट आएगा तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले जिससे कि आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या एक्सपेंडिचर टैक्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये भी आप हमें बताइएगा। क्या जो हमने आपको बताया कि सैलरी और बिजनेस में टैक्स सैलरी वाले ज्यादा देते हैं ये बात भी आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सर इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।